श्री राम मंदिर झांकी है, मथुरा भी बाकी है। बस 24 का गिनती आने दीजिए, नीति आने दीजिए, उसके बाद फिर 29 की तैयारी की योगी बाबा को हम लोग लाएंगे जी, जेसीबी चलवाएंगे। राहुल गांधी में भी वो कैपेबिलिटी देश चलाने का क्षमता नहीं है। 53 साल के हो गए, दो दो भारत जोड़ो यात्रा, 65 साल के अभी भी बुतरुए है, अभी बोलने का भी तरीका बढ़िया से नहीं आता। अरे क्षमता है तो नौकरी लो, देगा कौन, भीख कौन देता है। क्षमता है तुम्हें तो नौकरी लो, रोजगार करो, क्यों बेरोजगार बैठा है। तुम्हारे अंदर क्षमता है तो करो रोजगार। कैंडिडेट के बारे में हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग देश की राजनीति देख रहे हैं, बस मोदी जी को देख रहे हैं, कैंडिडेट को नहीं देख रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा एक बार फिर से पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल नेशन लाइव पर। देश चुनावी माहौल में है और आज तो पहले फेज की वोटिंग भी हो गई है। बिहार में भी 4 सीटें हैं जहाँ वोटिंग होनी है। सामने हमारे एक पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग बूथ है, जहाँ पे लोग वोट डाल के निकल रहे हैं। यहाँ पे लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मुद्दे रहे इस बार बिहार वासियों के। उनका भरोसा तेजस्वी यादव के ऊपर रहा या नरेंद्र मोदी के ऊपर रहा? वोट डाला है आप, दिखाइए। अच्छा, वोट डाल के आए हैं, क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार। रजनीश जी यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं। क्या माहौल रहा इस बार, वोटिंग वगैरह हुई या नहीं हुई? वोटिंग वगैरह हुआ, बीजेपी एकदम स्वीप कर रहा है। स्वीप कर रहा है? हाँ। क्यों? इससे बेहतर और कौन प्रधानमंत्री हो सकता है? बेहतर प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? राहुल गांधी में विकल्प नजर नहीं आया आपको? वो आलू से सोना बनाने वाला तो फैक्ट्री यहाँ नहीं बनना चाहिए। यहाँ वो आलू का सोना वाला फैक्ट्री नहीं चाहिए, यहाँ बनना चाहिए नरेंद्र मोदी जैसा भविष्य सुधारने वाला प्रधानमंत्री, भविष्य सुधारने वाला। लेकिन तेजस्वी जी तो बार बार कहते रहे कि क्या किए मोदी जी बिहार के लिए जो बिहार की जनता उन पर भरोसा करेगी। और उसका बाप क्या किया? लालू यादव बुरा बाल साफ करो तो बाभन को अथी कर दो, क्या कर दो, तहस नहस कर दीजिए। जात बात करके आज तक बिहार को पीछे 40 साल धकेल दिया, और क्या उसे बुरा होना चाहिए, और उसको किस आधार पर दें? अच्छा, एक चीज़ वो बार बार कहते हैं कि बिहार में उनकी जो सरकार आई है अभी कुछ दिनों के लिए, उसमें वो बिहार के लोगों को खूब नौकरी दिए, इस पर लोगों का भरोसा निकला है, जंगल राज का वो हट रहा है अब धीरे धीरे। अब प्रधानमंत्री कौन सा नौकरी हटा दिए, वो भी तो देंगे ना। वो थोड़ा दिन के लिए आया तो उसमें नीतीश कुमार भी तो साथ थे। नीतीश कुमार दिए कि वो मुख्यमंत्री कौन थे? उप मुख्यमंत्री का क्या पावर होता है? वो तो चोर बेईमान के साथ में मिल गए थे नीतीश कुमार, इसलिए थोड़ा सा वो अपना नाम करना शुरू कर दिया। अरे ये जो राजद का सेल है पूरा, वो एक चीज कह रहा है कि चार की जो 4 सीटें हैं अभी, जिन 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है, मैं चारों में लीड पे है महागठबंधन, इंडिया गठबंधन। वो तो 4 जून को था चलेगा तेजस्वी यादव। तो आप लोग जैसे लोग वोट करके आए होंगे तो उनको देखे होंगे ना, पूछे होंगे ना? सब बीजेपी को जा रहा है, सब बीजेपी को जा रहा है। चाचा वोट किए? वोट किए नहीं किए? क्यों आप क्यों नहीं वोट किए? करेंगे, अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं, आप बैठे हुए हैं, वोट डाला ये सामने तो है, थोड़े देख रहे हैं और जनमत मेरा। फिर भी आपके अनुसार वोटिंग हुई ठीक ठाक? हाँ बहुत बढ़िया हुई। और सुरक्षा के साथ? बहुत बहुत बढ़िया। पुलिस वगैरह किसी ने परेशान किया? कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई आने जाने में किसी जगह कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नवादा लोकसभा से 3 लाख वोट से ज्यादा लीडिंग होगा। 3 लाख से ज्यादा से भाजपा कार्यकर्ता? भाजपा कार्यकर्ता जीते, भाजपा कैंडिडेट जीतेगी। कैंडिडेट के बारे में भी सोचे आप लोग वोट डालने के लिए? कैंडिडेट के बारे में हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग देश की राजनीति देख रहे हैं, मोदी की राजनीति देख रहे हैं, बस मोदी जी को देख रहे हैं, कैंडिडेट को नहीं देख रहे हैं। आप यहाँ से तो पहले भी भाजपा के ही व्यक्ति थे, कुछ विकास वगैरह करवाए वो लोग या नहीं? विकास तो होवे किया, कुछ जो भी अति हुआ, विकास से मतलब पहले देश बचाना है, उसके बाद विकास का कार्य कुछ करना। अच्छा, पहले देश बचाओ। तो देश तो तेजस्वी जी बता रहे हैं राहुल गांधी के साथ? तेजस्वी सबसे पहले तो पढ़ा लिखा नहीं है, और उसका कार्यकाल 15 साल देख चुका जात पात में लड़ा के। वो तो उनके पिताजी का देखे थे ना? पिताजी का देखे तो अभी तेजस्वी जी का अभी तो नमो पास नहीं हुआ है, तो नमो पास होगा तब ना। अच्छा, पहले वो 9वीं पास करे फिर आप लोग सोचेंगे उसके बारे में। अच्छा, ये एक चीज है। चाचा आप वोट डाल दिए? आपसे बात हुआ नहीं हुआ? हाँ, मोदी जी को वोट दिया। मोदी जी को वोट दिया? हाँ। यहाँ मोदी जी थोड़ा खड़े थे इलेक्शन में? मोदी जी से बढ़िया कोई नेता नहीं, यहाँ मोदी जी थोड़े ना थे, यहाँ तो भाजपा का कोई कार्यकर्ता था, मोदी जी यहाँ थोड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, वोट मोदी जी को ही दे रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कार्यकर्ता को थोड़ा पड़ रहा है, मोदी जी को पड़ रहा है वोट, जो भी पड़ रहा है। झांकी मथुरा अभी बाकी है, श्री राम मंदिर झांकी है, मथुरा भी बाकी है,
बस 24 का गिनती आने दीजिए, नीति आने दीजिए, उसके बाद फिर 29 की तैयारी की योगी बाबा को हम लोग लाएंगे, जी जेसीबी चलवाएंगे। एक मिनट ऐसे आ रहा हूँ। सबसे बड़ा है कि बंदे में डिसीजन लेने की क्षमता है, किसमें? मोदी जी में। और डिसीजन कोई भी डिसीजन, जैसे मान लिया 170 या नोटबंदी 370 हटाना या नोटबंदी करना, ये डिसीजन कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी अथी में डिसीजन लेने की क्षमता नहीं रहता है। बंदे में डिसीजन लेने की क्षमता है, कोई भी डिसीजन कंप्लीट लेते हैं, लॉकडाउन लगाना या अथी करना, मैंने डिसीजन लेने की क्षमता हम लोग उसी आधार पर वोट दे रहे हैं कि जो आपने लॉकडाउन का जिक्र किया, लॉकडाउन के बारे में तो ये कह रहे थे कि कोरोना को ढंग से संभाल नहीं पाए मोदी जी, लोगों के अंदर बड़ा दर्द है उसका। कोरोना कैसे नहीं संभला, कोरोना तो बहुत संभला, एकाएक बीमारी आता है एक बार और जाता है धीरे धीरे ना, तो कोरोना तो संभला ही। जहाँ तक क्या गठबंधन में उम्मीद नजर नहीं आई आप लोग? गठबंधन में कोई वो भेड़ बकरियों का समूह है। अच्छा, हाँ, कोई कब की कौन किधर भाग जाएगा इसका कोई अभी अता पता नहीं है। तेजस्वी जी बिहार में है तो तुरंत वह 9 सीट दिए इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को, तो कांग्रेस में कोई वो विश्वास अभी आता है नहीं, कब कांग्रेस को प्रधानमंत्री बना दे, कब गिरा दे, कब बना दे, कब गिरा दे, कभी मायावती भाग जाएगी, कभी कोई भाग जाएगी, कभी तृणमूल भाग जाएगी, कभी सप्पा भाग जाएगी, तो उसका वो भेड़ बकरियों का झुंड है, कब भागेगा कौन इसका कोई अता पता नहीं है। आप वोट डाल के आए? हाँ डाल दिया। हाँ डाल के आए भैया, अच्छा काम किया, हम देखे उंगली लगा नहीं था, तो ये एक बड़ी वजह रही कांग्रेस का कम सीट पे लड़ना, कांग्रेस से दूर लेके गया लोगों। हाँ, कांग्रेस अब क्षेत्र नेशनल पार्टी नहीं रहा, वो क्षेत्रीय पार्टी से भी उसको सब जगह परफॉर्मेंस कमा दिया, सब जगह उसको अंडर में रखता है कांग्रेस, कोई अब कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रहा, कोई वजूद नहीं रहा बिहार में, नहीं नहीं कहीं नहीं, यूपी में नहीं रहा, तो वहाँ बंगाल में नहीं रहा, कांग्रेस का कहीं वजूद नहीं रहा कि सब सीट पर यदि कांग्रेस लड़ता तो लोग उसके बारे में सोचता भी, लेकिन कांग्रेस का कोई उसको एक उठा के दे देता है कि एक सीट पर लड़ो, दो सीट पर लड़ो, और वो स्वीकार कर लेता है, मतलब कि उसका कोई वजूद नहीं रहा। एक चीज़ बदली है इस देश में, हमने देखा है 2014 के बाद कि ब्लैकमेलिंग वाली पॉलिटिक्स लोगों ने कम की है, या तो राहुल गांधी या तो कांग्रेस को वोट करना है या तो भाजपा को वोट करना है, किसी को फुल बहुमत देना है, मिलीजुली सरकार नहीं बनानी है। क्षेत्रीय पार्टी सब कांग्रेस को हाईजैक कर लिया है, हाईजैक कर लिया, क्षेत्रीय पार्टी उसको बौना के तरह ट्रीट करता है, उसको जो कहता है वही मानेगा, और राहुल गांधी में भी वो कैपेबिलिटी देश चलाने का क्षमता नहीं है। 53 साल के हो गए, दो दो भारत जोड़ो यात्रा कर ली, 65 साल के अभी भी बुतरुए है, अभी वो बोलने का भी तरीका बढ़िया से नहीं आता है, नहीं। जो हमारे बाप दादा बताते थे पिछली सरकार के बारे में, उससे तो बेहतर हमारा जीवन है, महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी तो बढ़ा है हमारा, महंगाई जैसे हिसाब से बढ़ी है तो हमारा इनकम भी तो उस हिसाब से बढ़ा है, तेल बढ़ा है तो काम करने का तरीका भी तो चेंज हुआ है, हम पैसा भी तो चार्ज ज़्यादा करते हैं, किसी के लिए महंगाई नहीं बढ़ा है, जो बेरोजगार है उसके लिए बढ़ता है, ठीक है, रोजगार वाले के लिए महंगाई नहीं बढ़ता है, वोट बीजेपी को ही डालेंगे, जो स्थिति सही मेंटेन रखा है उसी को वोट डालेंगे, ठीक है। नौकरी को बड़ा मुद्दा बनाया बेरोजगारी, नौकरी क्या मुद्दा, क्या क्या आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, कितना नौकरी चाहिए आपको, कितना, अरे क्षमता है तो नौकरी लो, देगा कौन, भीख कौन देता है, क्षमता है तुम में तो नौकरी लो, रोजगार करो, क्यों बेरोजगार बैठा है, तुम्हारे अंदर क्षमता है तो करो रोजगार। सरकारी नौकरी की बात करते हैं ना कि बहुत सारे पद खाली, भीख में मिल रहा है, तुम्हारे अंदर क्षमता है तो लो ना, जिसके अंदर क्षमता है ले रहा है, सरकारी नौकरी घर में बनाता है जो दे देगा, घर में बनाता है सरकारी नौकरी, तुम्हारे अंदर जिसके अंदर क्षमता है वो नौकरी ले रहा है, बैठा नहीं है बेरोजगार। और ये जो रसोई गैस तेल इन सब का मुद्दा, क्या मुद्दा है, क्या है, तो इनकम नहीं बढ़ा है आपका, इनकम नहीं बढ़ा है, आप भूखे हैं? नहीं, मैं खा के आए हो ना, चावल दाल खरीद रहे हैं ना आप, तो फिर कहाँ महंगाई बढ़ गया, नहीं गाड़ी चला रहे हैं, सरकार ने क्या काम किया, सुनिए तो सरकार तेल खरीद रहे हैं, इनकम भी तो है, आपको कहाँ लगता है कि महंगाई बढ़ा है, कहाँ लगता है, सरकार मेंटेन किए सब चीज़ को बहुत ही बढ़िया तरीका से व्यवस्थित किए हैं। आपके गांव देहात में कुछ काम हुए हैं? क्या नहीं हुआ है, रोड बढ़िया है, नल जल बढ़िया है, सारा चीज़ बढ़िया है, इसके घर के तरफ चढ़ा है,
पानी बढ़िया है, शिक्षा बढ़िया है, जो स्कूल में पढ़ाई नहीं होता था बच्चा आता नहीं था, उस स्कूल में डेली देखते हैं हमारे यहाँ के सामने पढ़ाई होता था, हम खुद स्कूल से भाग जाते थे, अभी मजाल है स्कूल से बच्चा भाग जाएगा? एक भी बच्चा का मजाल नहीं है। अगर चार दिन नहीं स्कूल आएगा उसका नाम काट दिया जाएगा, जिसको पढ़ने के लिए उत्सुकता ही नहीं है उसका नाम रख के क्या स्कूल में करेगा, जाके भैंस चराएगा? जिसको पढ़ना है वो स्कूल में आके पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है डायरेक्ट नाम काट दिया जाएगा। सब चोर एक जगह हो गया। हाँ। वो तो लोकतंत्र बचाने के लिए इकट्ठा हुए। लोकतंत्र क्या बचाएंगे वो लोग, जो लोकतंत्र अपने वो खतरे में सब डालता है। हाँ। इतना भ्रष्टाचार क्यों हो रहा? हाँ। सब जेल क्यों जा रहा है? भ्रष्टाचार सब किए हैं तब एकजुट सब हुए। अच्छा, मोदी जी तानाशाही की तरफ लेके जा रहे हैं देश को। कहाँ तानाशाही है, नहीं है। आप वोट डाले? हाँ, वोट डाले। क्या मुद्दा सोच के गए वोट डालने के? क्या सोच के वोट किए? मोदी प्रधानमंत्री होगा और क्या। मोदी प्रधानमंत्री? हाँ। सांसद से मतलब नहीं है? सांसद से मतलब नहीं है। आपके यहाँ तो कुछ निर्दलीय भी बड़े बड़े लोग खड़े हुए, उनका कुछ? उनका वोट कटवा है, वो सब वोट काटते हैं अपना। वोट काटते हैं। क्या काम, दो तीन चार क्या काम नजर आया आपका कि आप मोदी को वोट करके? बहुत काम है। क्या नल जल योजना है? अच्छा। बिजली है, बिजली 24 घंटा। अच्छा। 12 घंटा नल जल में पानी आता है, ठीक है। और आदमी को क्या चाहिए, राशन मिल रहा है। राम मंदिर है, राम मंदिर है। आप वोट डाल के आए भाई? बिल्कुल आए। तो क्या बोल रहे हैं कि तेजस्वी की तरफ बिहार का युवा वोट डाल के आया या भाजपा की तरफ? मैं न तेजस्वी को जानता हूँ, न भाजपा को जानता हूँ, मैं नरेंद्र मोदी को जानता हूँ, जो मेरे श्री राम प्रभु भगवान को 500 वर्ष पीछे से आगे की ओर त्रिपाल से छत के नीचे ले आया। मैं उस अधिकार से अपना वोट कमल खिला कर आया। इस बार का वोट आपका राम मंदिर? राम मंदिर के नाम। जय श्री राम। जय श्री। वो जो रोजगार वगैरह की बात करता है विपक्ष, वो आते रहेगी जाते रहेगी। हम ना पढ़ेंगे तो मैं कौन सा कोई आके नौकरी दे दे? हम खेत में काम करें, मुझे नौकरी दे दे, तब मैं उसको अगली बार से वोट दूंगा। मैं अभी लिख कर दे देता हूँ। नौकरी मीन्स क्या, जो मेरी सीट है उसी पे ना दे रही है? कहाँ मेरे लिए 10% आरक्षण से 25% कर दिए कोई? ये जुमलेबाजी, ये बोले तो हमारे कि चोरों का संगठन है इंडिया, चोरों का संगठन, ताकि हम कैसे सुरक्षित आपस में रहे, बस उससे कोई मतलब हमें नहीं है। मैं मोदी को चाहता हूँ, मोदी को चाहूँगा और चाहते आया भी हूँ। ये इंडिया, राहुल गांधी जी बोले कल कि पहले तो हमको लगा था 2 सप्ताह पहले कि मोदी जी 180 सीट जीत रहे हैं, अब तो उनको नज़र आ रहा है कि 150 सीट ही जीत रहे हैं। कितना सीट जीत रहे हैं मोदी? अपने 150 से कम लाएंगे। अच्छा। 150 से कम आएगा सीट। अच्छा। 4 जून के इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं। आज तो हम लोग अपने बूथ का 19 फर्स्ट पेज इलेक्शन है, शाम तक वो भी क्लियर कर लेंगे। बट मोदी जी को सर्टिफिकेट ताज पहनाने के लिए 4 जून का इंतजार कर रहे हैं। 4 जून का इंतजार।